हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। डिफेंस अपडेट भारत पर आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही बढ़िया खबर के ऊपर बात करेंगे। जी हाँ, पाकिस्तानी JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट अभी हमारे 4th जनरेशन राफेल एयरक्राफ्ट को फ्रंट टू फ्रंट डॉग फाइट में हरा नहीं सकता है। जी हाँ, यह बात पाकिस्तान के सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल शहजाद असलम चौधरी के तरफ से कहा जा रहा है। जी हाँ, सो फ्रेंड्स, सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी मीडिया के हालिया प्रचार बुलबुले को छोड़ते हुए कि JF-17 थंडर फाइटर जेट का नवीनतम वेरिएंट ब्लॉक 3, जिसे चाइनीज के द्वारा पाकिस्तानी एयरफोर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल एक चाइनीज एयरक्राफ्ट होता है। और फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों को पता है कि एक रशियन टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर चाइना के तरफ से इसे कॉपी किया गया है और ये फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर जो जो स्पेयर पार्ट और कंपोनेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब चाइना में मैन्युफैक्चर या डेवलप किया जा रहा है। और पूरा दुनिया को यह भी पता है कि चाइनीज माल का क्या गारंटी होता है। और यहाँ पर हमारे भारतीय एयरफोर्स के द्वारा तैनात किया हुआ फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि राफेल एयरक्राफ्ट होता है, ये कि 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट होता है। और ये राफेल एयरक्राफ्ट में बहुत ही एडवांस स्टैंडर्ड का एवियोनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स को इस्तेमाल किया गया है। साथ साथ यहाँ पर आईसर रडार भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये सिस्टम्स के माध्यम से हमारे राफेल एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट F-22 रैप्टर को भी एयर डॉग फाइट में बीट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी एयरफोर्स का ये कहना है कि हमारे JF-17 एयरक्राफ्ट का कोई भी वेरिएंट से ये राफेल एयरक्राफ्ट मुकाबला नहीं कर सकता है। चले हम मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल ने ये पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी एयरफोर्स के दिल को तोड़ दिए हैं। जी हाँ, मतलब यहाँ पर पाकिस्तानी एक्स एयर मार्शल जो कि सेवानिवृत्त है, इनके तरफ से ये कहा गया है कि एक जो फिर एक पाकिस्तानी न्यूज समाचार चैनल पर उन्होंने कहा JF-17 का ब्लॉक 3 वेरिएंट भी भारत का राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को डॉग फाइट में नहीं हरा सकता है। जी हाँ, इसे तो छोड़िए, हमारे मिराज और तेजस एयरक्राफ्ट को भी ये सामना नहीं कर सकता है। जी हाँ, और उनके तरफ से पाकिस्तानी न्यूज चैनल के दर्शकों को समझाया जा रहा था कि भारत का 4th जनरेशन राफेल फाइटर जेट एक अलग फाइटर जेट होता है। ये पाकिस्तान के JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट और F-16 ब्लॉक 52 को भी आसानी से मुकाबला कर सकता है और इसे कहीं आगे भी है। और JF-17 के पास कोई भी ऐसा वेपन नहीं है जो राफेल एयरक्राफ्ट को। फ्रेंड्स, इसी तरह लेटेस्ट डिफेंस अपडेट देखने के लिए डिफेंस अपडेट भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हर एक नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए और प्रेस कीजिए। मतलब यहाँ पर JF-17 के पास, पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के पास कोई भी ऐसा वेपन नहीं है जो हमारे राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को लॉन्ग रेंज में एंगेजमेंट कर सकता है। और यहाँ पर पाकिस्तानी एयर मार्शल खुद का मुंह में ये स्वीकार किया है कि JF-17 पुराने पाकिस्तानी एयरफोर्स के जेट जैसे मिराज IIIV और F-7 से थोड़ा बेहतर है। लेकिन ये एयरक्राफ्ट भारतीय SU-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट या तेजस एयरक्राफ्ट से इतना अच्छा नहीं है। और राफेल का बात छोड़िए, JF-17 का कोई भी वेरिएंट ये राफेल का मुकाबला नहीं कर सकता है। और ये बात तो हमें इंडियंस को पहले से ही पता है, लेकिन ये बात अभी पूरा पाकिस्तानी मुंह पे एक बड़ा। सो फ्रेंड्स, यहाँ आप बताइए। सो फ्रेंड्स, ये था टॉपिक। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगा। एक बड़ा थम्स अप दीजिए। डिफेंस अपडेट भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।